कि माइंड बार बार नेगेटिव ही घटनाओं को क्यों सोचता है, क्यों अज्यूम करता है। और एक बार तो नेगेटिव अज्यूम कर लेता है, उसके बाद मैं अपने माइंड को वापस चेंज करती हूँ और पॉजिटिव बनाती हूँ, तो क्या इसका उपाय है कि मेरा माइंड पॉजिटिव ही देखा करे, नेगेटिव बार बार ना हुआ करे? ज्ञान गलती होने के बाद ही क्यों आता है, ठोकर लगने के बाद ही क्यों आता है? अगर ठोकर लगने के बाद भी आ जाए तो भला आए तो सही, गलती होने के बाद भी ज्ञान आए तो सही, या तो ज्ञान ही आता हुआ नहीं दिखता, आगे फिर वही गलतियां करता जाता है। हम अपनी जिंदगी में नई नई गलतियां नहीं करते, सेम गलतियों को रिपीट कर रहे होते हैं। इसीलिए तो बात है कि ज्ञान आए तो सही, ठोकर खा के भी। अब सवाल यह है कि बार बार हम नेगेटिव ही क्यों अज्यूम करते हैं हर चीज को? बहुत बड़ा रीजन यह है कि अभी तक हमारे दिल में सबके प्रति स्वीकार भाव और प्रेम भाव नहीं, कहीं ना कहीं बहुत गहरे में आप दूसरे को माफ ही नहीं कर पा रही हो, आप अपने पास्ट को भी माफ नहीं कर पा रही हो, आपके पास आपके साथ पास्ट में जो कुछ हुआ आपने दिल से उनको क्षमा नहीं किया, बोल के कह भी दिया होगा तो भी दिल से क्षमा नहीं किया, काफी बार क्षमा याचना की है तब भी दिल से नहीं हुई है। अगर दिल से हो चुकी होती तो आपको बार बार पास्ट का कनेक्शन, नेगेटिविटी और हर घटना में नेगेटिव देखने की आदत वो अब नहीं रहती। आप जो कह रही हो केवल उतनी ही बात नहीं है ना बहन, हर आदमी बातें तो बड़ी अच्छी करता है, मैं पास्ट नहीं सोच रही हूँ, मैं प्रेजेंट में जी रही हूँ, लेकिन उसको पता भी कहाँ होता है कि वो पास्ट में जी रहा है? अगर इतना ही पता चल जाता तो कैसे पास्ट में जीता, लेकिन पता नहीं चलता बहन। अभी तक आप पास्ट को माफ ही नहीं कर पाई, आपके अंदर की ग्रंथियां नहीं हटी, ग्रंथियां हट चुकी होती तो एक क्वेश्चन नहीं होता, और एक क्वेश्चन है कि मैं पास्ट में नहीं रह रही हूँ, मैं प्रेजेंट में रह रही हूँ फिर भी नहीं रह पा रही हूँ। ये क्वेश्चन आने का मतलब ही है कि अभी आप पास्ट में ही हो, अभी आपको प्रेजेंट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। प्रेजेंट का एक्सपीरियंस तब होता है जब अंदर की ग्रंथियां खुले, और गांठें तो खुली नहीं अभी तक, मन में बहुत लोगों के प्रति गांठें भरी पड़ी है, और ईमानदारी से उनको देखो ना गांठों को, कितने लोग हैं आपके अंदर में, दिल में, दिमाग में, जिनको अभी तक आपने क्षमा नहीं किया। आप मान रहे हो कि वो गलत तो थे, हम क्षमा भी करते तो कैसे बोलते, चल मैं तुझे माफ करता हूँ, लेकिन जो किया था वो तो गलत ही था नहीं? और जब हम ऐसा कह रहे होते कि तूने जो किया था वो तो गलत ही था, तो आपने माफ किया ही का? नहीं, तूने जो किया वो किया, उस टाइम का तेरी समझ थी, उस टाइम की मेरी समझ थी, व्याख्या तो मेरा माइंड करता है ना, गलत या सही व्याख्या नहीं करना, नहीं। और उसने जो किया वो गलत था, ऐसा भी आप ही की तो ओपिनियन है ना, ओपिनियन क्यों देते हो? और वो तो निमित्त था आपकी जिंदगी में, अगर पास्ट में कुछ हुआ और सामने वाले का कोई रोल रहा तो वो तो केवल निमित्त था, एक्चुअल में वो करता नहीं था, करने वाला वो तुम्हारे कभी पास्ट के भावों को रिफ्लेक्ट करने वाला एक कांच था, और रिफ्लेक्ट करने वाले कांच को तुम कह रहे हो कि तुमने किया तो गलत ही था। अरे भैया, उसने तुम्हारे साथ तो कुछ किया ही नहीं, उसने वो किया जो उसकी समझ थी, तुमने उसके साथ अपना अटैचमेंट और कनेक्शन की वजह मान लिया कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये तुम्हारी सोच है। और ये अटैचमेंट और कनेक्शन जो है ये तो मोहनीय कर्म है, और ये मोहनीय कर्म घटनाओं को सही देखने नहीं देता, वो हमेशा ऐसा मानता है कि पहले उसने मेरे साथ ऐसा कहा था, फिर ऐसा कह दिया था, तो वो आदमी तो गलत ही था, चलो मैं उसको भूल देती हूँ, उसको क्षमा कर देती हूँ, लेकिन किया तो उसने गलत ही था। और फिर कई लोग क्या कहेंगे, अच्छा भाई मैं तो तुझे कोई प्रति कोई बुरा भाव नहीं रखती, तेरे लिए कोई बद्दुआ नहीं देती, भगवान अपना उसे देख लेगा, उसको क्या करना है। हम लोग अक्सर ऐसे ही सोच रहे होते हैं कि मैं नहीं बुरा करूं, लेकिन भगवान तो तेरा बुरा करे जरूर, मतलब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लूं कि तेरा बुरा मैं कर रही हूं, लेकिन कोई और जरूर कर देना चाहिए तेरा बुरा, ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन तो हो जाए कि तेरे को अपने बुरे कर्म का फल मिल गया है। हमारे अंदर कितनी गहरी में, डीप में नेगेटिविटी होती है, पर हमें समझ नहीं आती। इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मैं समझती हूँ, पास्ट छोड़ दो, फ्यूचर छोड़ दो, प्रेजेंट में रहो, लेकिन फिर मैं नेगेटिव क्यों होती हूँ? अरे भैया, आप हो ही अभी तक नेगेटिव, अपनी नेगेटिविटी को देखो, एक्सेप्ट करो। बड़ी आइडियल बातों को रट लेने से या सुन लेने से हम आइडियल नहीं हो जाते, प्रैक्टिकली हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है। और कह रहे हो ठोकरे खा के आ जाए, मैं कहती हूँ आए तो सही, ठोकरे खा के भी नहीं आता है।
आएगा कब? पहले अपने दिल को प्रेम से तो भरो। जिसने जो किया कोई गलत नहीं किया। उस समय की उनकी समझ ऐसी थी, तुम्हारी समझ वैसी थी। तुम अपने आप को भी स्वीकार करो, उनको भी स्वीकार करो। अभी अनकंडीशनली हम प्रेम नहीं दे सकते, अनकंडीशनली हम सहयोग नहीं दे सकते, हम दान नहीं दे सकते, हम सेवा नहीं कर सकते विदाउट एनी कंडीशन। अगर हम ये दान, सेवा, तप, सहयोग नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि हमारे दिल में वैर की गांठें भरी हुई है। और वैर विरोध गहरा है तो उसका लक्षण होगा कि हमारे से अनकंडीशनली कभी दान, प्रेम, सेवा, सहयोग होगा ही नहीं। और वो होता है, इसका मतलब ये कि आपके दिल में वैर विरोध की गांठें नहीं है। देखो ना, जरा सा हम किसी का कुछ मदद कर दे तो हम तुरंत गिनाते हैं, मैंने कितना किया, मेरे जितना तो कोई भी नहीं करता होगा। कई बहनें बोलती है, मैं थी जो उसकी बच्ची की शादी हो गई, मैं थी जो उसकी डिलीवरी हो पाई। अरे भैया, तेरे होने से क्या हो गया? लेकिन घमंड आता ही है, क्योंकि जरा सा हम किसी का भला कर दे तो हम अपनी नजरों में उसको बड़ा चढ़ा के देखना चालू कर देते। ये सब क्या बताता है कि हमारे अंदर वैर की गांठें हैं। अगर वैर की गांठें ना होती तो इतना ईगो भी हम लोग कभी शो नहीं करते। शो करने का कारण ही नहीं था। कहीं ना कहीं दूसरों से अपने आप को सुपीरियर बताने की इच्छा है, और तब हम कहीं इन्फीरियर ना हो जाए उन स्थानों से हम भागने के लिए किसी न किसी दूसरे को आरोपित करते रहते, ब्लेम देते रहते कि इनकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो बड़ा माइंड की स्टडी करना कोई आसान नहीं है। एक साइकोलॉजी कभी खत्म नहीं होगी, कितने भी बुक्स लिख लो सब अपर्याप्त है, और कितने भी भाषण दे दो सब अपर्याप्त है। आदमी का माइंड अजीबोगरीब है, वो खुद ही नहीं समझ पाता कि वो है क्या। तो खैर, आपका सवाल ये है कि हम प्रेजेंट में क्यों नहीं रह पाते, क्यों नहीं बदल पाते। जब तक पास्ट को रिमूव ना करो, डिसॉल्व ना करो, ग्रंथियों से मुक्त ना हो, अपानम वो सिरामी घटना ना घटे, तब तक ये संभव नहीं है। पहले अपने आपके पुराने सारे जो मिसकॉन्सेप्ट है उन सबको डिलीट करो, समझ पूर्वक, बोध पूर्वक, और हृदय के प्रेम को फैलाओ। और फोकस उस पर मत करो, फोकस प्रेम पे करो ना। प्रेमपूर्ण बनो तो से जीवन को स्वीकार करो। किसी को भी दोषारोपित मत करो, किसी को भी दोषारोपित मत करो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो आप हो, दूसरा हो, परिस्थिति हो, वातावरण हो, कोई इंसान हो, कोई भी घटना हो, किसी को भी दोषारोपित मत करो। हो सकता है चीजें फिर कैसे समझी जाएंगी। बात चीजें समझने के कई सारे तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि आप करके, गलती करके, हाथ जला करके फिर ही समझोगे कि आग में हाथ नहीं डालना। किसी ने हाथ जलाया वो देख के भी काफी, किसी ने बोला वो सुन के भी काफी है। और आप जो नहीं करना है उसको सोचना भी क्यों, उसको समझने की आवश्यकता तो छोड़ो, उसको सोचना भी क्यों। पुराने लोग बहुत अच्छी कहावत बोलते थे कि जिस रास्ते जाना नहीं उसका पता भी मत पूछना, क्योंकि अगर तुमने पता भी पूछ लिया तो उधर जाने की संभावना बन जाएगी। इसीलिए आप सोचते हो कि स्मोक बुरा है तो करेंगे तो पता लगेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ना करके देखो, ना किसी और ने जो कर रहा है उसकी ज्यादा स्टडी में जाओ। आपको नहीं करना है उस तरफ सोचो ही मत। और भी तो 100 काम अच्छे पड़े दुनिया में, वो देखो ना। हाँ, अब देखो तुम्हारी लाइन अलग है, तुम्हें मेडिसिन लाइन में हो और मेडिसिन देनी है तो तुम्हें स्टडी करनी पड़ेगी। तो स्टडी को, सब्जेक्ट की स्टडी कैसे करते वैसे करो बस। उसके साथ अपने इमोशंस को कनेक्ट करने की जरूरत क्या है? बहुत सारी चीजें जो हम दुनिया में जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके साथ अपने इमोशंस थोड़ी कनेक्ट करते हैं। तो अपने इमोशंस को कनेक्ट किए बिना अपनी स्टडी करो ना। जय हो।